आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब्सटेंसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स। द सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली पास थ्रू इज नोन एज कंडक्टर, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के लिए, वो इंसुलेटर्स हैं। और सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऐसे सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको हम उनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डोपिंग। ये हमने फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट में किया था। अब हम करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो हैं वो या कंडक्टर्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं। हमें पता कि जो कंडक्टेंस है किसी भी सब्सटेंस की, कंडक्टेंस की जो एबिलिटी है वो तभी शो करता है जब उसके अंदर कुछ आयनिक जो थिंग्स हैं, यानी कि जो चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर वो मूव करते हैं। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं, उनके कारण भी कंडक्टेंस हो सकती है। या फिर आयंस हैं अगर सब्सटेंस में, तो वो आयंस जब मूव करेंगे तो वो भी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस भी इसको कहते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उन सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं, और ऐसी कंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं वायर का, एक वायर है उसमें एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर करते हैं और दूसरे एंड से वो बाहर निकल जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब्सटेंस है, यानी कि जो वायर है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। हमें पता है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं, और कौन सी मेटल मोस्टली यूज़ होती है, कॉपर, बिकॉज सबसे अच्छा जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का जो मेटल है वो है सिल्वर, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर है कॉपर। बींग वेरी एक्सपेंसिव, सिल्वर जो है उसको हम वायर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कॉपर वायर्स यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सभी में ही। अब उनमें क्या होता है, कॉपर वायर्स में क्या होता है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं और दूसरे, मतलब वो उसके थ्रू पूरी वायर में पास होते हैं और दूसरे एंड से वो निकल जाते हैं, अगर वो एंड हो जाता है तो वो निकल जाते हैं। तो ऐसा करने में जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से मूव कर रहे हैं वायर में से, तो वायर की जो कंपोजिशन है, यानी कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है, वो चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे कॉपर एटम्स हैं जो वो कॉपर एटम्स ही रहते हैं, नथिंग चेंज इन द वायर। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं या मेटेलिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की वैल्यू को। फर्स्ट है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, कि जो मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसके नेचर पर। इसका मतलब है कि अलग अलग मेटल्स अगर हम लेते हैं, डिफरेंट मेटल्स लेते हैं, तो उन सबकी कंडक्टेंस भी अलग अलग ही होगी। तो ये तो हमें पता ही है कि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छी कंडक्टर है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो है वो कॉपर है कंडक्टर अच्छा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए उन दोनों की कंडक्टेंस की जो पावर है वो भी अलग अलग है, या एबिलिटी है वो भी अलग अलग है। सेकेंड फैक्टर जिस पर कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इन मेटल। मेटल में, मेटल के हर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं मूवमेंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है इन वन एटम हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेटल्स की कंडक्टेंस कम होती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो मेटल्स की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। सेकेंड टाइप की जो कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस, और ऐसी कंडक्टेंस को हम आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस
विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन इट्स एक्वा सोल्यूशन। जब ऐसा कोई सब्सटेंस जब उसको वाटर में उसका सोल्यूशन बनाते हैं हम, तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसके आयंस सेपरेट हो जाते हैं और आयंस के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हमें पता है जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज़ वेरी शो वेरी लिटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो डिसोसिएट तो होता है अपने आयंस में, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, लेकिन टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। वाटर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी काफ़ी कम है। लेकिन हम वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं। आप सबको पता है कि हम ऐसा सुनते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए, या हम पानी में नहीं खड़े होना चाहिए हमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर तो इलेक्ट्रिकल वीक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं क्योंकि जो वीक कंडक्टिविटी है ना, वो प्योर वाटर शो करता है। लेकिन जो टैप वाटर होता है, जो हमारे घरों में पानी आता है, उसके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं। उन मिनरल्स के कारण वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए अगर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूते हैं, वायर्स को छूते हैं, या हम पानी में खड़े होकर अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, तो हमें शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए तो वही इसमें बताया गया है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा ऐड करते हैं, थोड़े से अमाउंट में ऐड करते हैं अगर हम वाटर में, तो इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड। आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट कितना अच्छे से उसको इलेक्ट्रिसिटी उसको कंडक्टर बनाएगा, कितना गुड कंडक्टर, उसकी कनेक्टिविटी कितनी इंक्रीज करेगा या ज़्यादा करेगा या कम करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर जिस पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उस पर डिपेंड करती है। और सेकंड, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सोल्वेशन। आयंस जो प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से, जो डिसोसिएशन हुआ आयंस में, वो जो आयंस बने उन आयंस का साइज क्या था उस पर, और उनके सोल्वेशन पर। सोल्वेशन मीन्स वो कितने अच्छे से उस सोल्यूशन के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं उस पर। थर्ड, द नेचर ऑफ सोलवेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सोलवेंट क्या हमने लिया था इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स एक तरह से गाढ़ापन होता है, ये आपका फिजिक्स में भी टॉपिक होगा विस्कोसिटी। और फोर्थ पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो कितना ऐड किया, उसका अमाउंट, उस पर डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या डिफरेंस है आयनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस में। जो आयनिक कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयनिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है, लेकिन जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। यहाँ पर इन दोनों में ये एक पॉइंट है जो कि डिफरेंट है। और एक और चीज भी है जो दोनों को अलग करती है, वो है कंपोजिशन में चेंज। जब इलेक्ट्रोलाइट में से कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब कि उसमें जब आयंस मूव करते हैं काफ़ी देर तक, कंपोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ये इसमें बताया मैंने, कंपोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कैन चेंज इफ करंट इज पास्ड थ्रू इट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर काफ़ी ज़्यादा देर तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस या करंट पास होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस चेंज हो सकती है, उसकी सॉरी कंपोजिशन चेंज हो सकती है। जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं सोलवेंट के अंदर, उसको मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर उसमें से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इट मे चेंज द कंपोजिशन ऑफ दैट आयनिक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखते हैं कि हम जो सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशंस हैं, उनकी कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम आयनिक सॉल्यूशंस ले रहे हैं, हम उसकी कंडक्टिविटी की बात करें, तो हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी भी आनी चाहिए। हम ऐसा भी कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे हम आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को या कंडक्टेंस को हम उनकी मेजर कर सकें। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है, ये फिजिक्स में भी आपने किया होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस की, जिसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, हम उसका रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जब भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हैं एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए, हम किसी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस का पता आसानी से लगा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। लेकिन अगर वो सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है वो सब्सटेंस, यानी कि हमें अगर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस रेजिस्टेंस नोट करनी है, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। पहला तो ये कि पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू सॉल्यूशन चेंजेस इट्स कंपोजिशन। अगर उसमें से डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी आपने पढ़ा हुआ है, 10th में आपने किया था इसको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, दिष्ट धारा, अगर डायरेक्ट करंट को उसमें से पास करते हैं आयनिक सॉल्यूशन में से, तो इट्स चेंजेस इट्स कंपोजिशन, तो वो उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देगा। अब कंपोजिशन चेंज हो गई मींस जो सॉल्यूशन है वो ही चेंज हो गया, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम तो पहले वाले सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते थे, लेकिन अब कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को मेजर करने में बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, कि डायरेक्ट करंट पास करने से उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या कंपोजिशन चेंज हो जाती है। और सेकंड क्या है, सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वी कांट कनेक्ट अ सॉल्यूशन। अब आपको पता कि एक सॉल्यूशन है उसको आप कैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक वायर को तो कनेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ से, किसी भी अप्लायंस से, लेकिन एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन को डायरेक्टली आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ से। तो हम लेकिन इन दोनों का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है, पहले ये प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन फिर इनका सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहीं से समझ सकते हो कि डायरेक्ट करंट को पास करने से कंपोजिशन चेंज होती है, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो हम डायरेक्ट करंट की जगह हम अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट वी कैन यूज़ अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स। ऐसा हम पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट देता है, और वो जब हम पास करते हैं तो हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन की। और सेकंड प्रॉब्लम, सॉल्यूशन कैन बी टेकन इन स्पेशली डिजाइंड वेसल। इसके लिए स्पेशल एक स्पेशल टाइप की वेसल्स बनाई गई जिनको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, उसमें सॉल्यूशन को लिया जाता है, और ये कंडक्टिविटी सेल आसानी से ब्रिज से व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को अब सोल्व कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होती किस टाइप की है। वो तो वैसे अलग अलग तरह की आती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जो हम सिंपल जो कंडक्टिविटी सेल है उसकी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, तो ये एक सिंपल सा एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें ये दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जिसको कि फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से कोट किया गया है। ठीक है, ये प्लेटिनम की ही इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर कोटिंग भी की गई है फाइनली डिवाइडेड यानी कि बहुत ही बारीक पीसे हुए प्लेटिनम से। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन सेल, अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसमें वो है ए। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ कॉलम इज एल। जो इसके अंदर सॉल्यूशन लिया जाएगा ना, मान लो सॉल्यूशन यहाँ तक लिया, तो उसकी लेंथ क्या है, उस कॉलम की लेंथ क्या है, वो हम ले लेते हैं एल है अगर। तो हमने किया था कि जो रेजिस्टेंस है, हम ये कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का किस पर डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो एल भी हमें पता चल गया, ए भी पता चल गया। ठीक है, तो हम यहाँ से, और अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, एल भी है ए भी है, और अगर हमें कंडक्टिविटी भी पता है तो। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी यहाँ पर, ये के कहाँ से आ गया, कंडक्टिविटी कहाँ से आ गई है, क्योंकि ये है रो, रो इज रेजिस्टिविटी, और इसका जो इनवर्स है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो L बाय A है, इस फैक्टर को हमने एक नाम दे दिया नया, दैट इज सेल कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से, जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। तो ये एक तरह से हम इसको इसलिए ये भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 बाय K, K नहीं है ये कापा है, 1 बाय कंडक्टिविटी इंटू जी स्टार सेल कांस्टेंट। ठीक है, इफ़ यू नो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पता है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है, तो हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सेल कांस्टेंट के लिए, बिकॉज सेल कांस्टेंट इज एल बाय ए,
तो L की वैल्यू भी पता है आपको, A भी पता है, तो आप सेल कॉन्स्टेंट फाइंड कर सकते हो। लेकिन दोनों ही चीज़ का जो मेजरमेंट करना, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मेजरमेंट जो है, कई बार हमेशा बिल्कुल सही नहीं होती है, या उसको हम वो कन्वीनियंट नहीं है, ईजी नहीं है उसको फाइंड करना। और अगर आप फाइंड कर भी लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार रिलायबल हो, यानी कि विश्वसनीय नहीं है वो, ठीक है। बट मेजरमेंट ऑफ L एंड A जो हम करते हैं टू फाइंड सेल कॉन्स्टेंट इज नॉट सो ईजी एंड रिलायबल। तो अब क्या किया जाए उसके लिए, क्या करते हैं कि हम वी कैन फाइंड सेल कॉन्स्टेंट बाई टेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ नॉन कंडक्टिविटी एंड मेजरिंग इट्स रेजिस्टेंस। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी आपको पता है, हमारा ये फॉर्मूला है ना, ठीक है, R इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो अगर आपको रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लेते हो उस सोल्यूशन का जिसकी कंडक्टिविटी आपको पता है, तो आप सेल कॉन्स्टेंट फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, ठीक है। उस कंडक्टिविटी सेल में हम ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जिसकी हमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें नोन है वो, ठीक है, या गिवन है, तो हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। और अगर हमने उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके उस कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कॉन्स्टेंट भी हमें पता चल जाएगा। तो फिर हम इस कंडक्टिविटी सेल को, जिसका हमें सेल कॉन्स्टेंट पता चल गया, इसको हम फिर बाद में और सब्सटेंसेस की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए या कनेक्टिविटी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेल कॉन्स्टेंट फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि हम L और A को इजिली और रिलायबली हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले से ही हम एक ऐसी कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, एक कंडक्टिविटी सेल लेते हैं जिसका हमें सेल कॉन्स्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। और उसमें हम ऐसा सोल्यूशन डालते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता है, उसको हम, उस कंडक्टिविटी सेल को हम, जिसमें हमने नॉन कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन डाला है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ते हैं और उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो फिर हम, हमारे पास अब रेजिस्टेंस भी है, कंडक्टिविटी भी है, तो हमारे पास सेल कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ से। अब इस कंडक्टिविटी सेल को, जिसका कि हमारे पास सेल कॉन्स्टेंट है, उसको हम अब दूसरे सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी या दूसरे सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें बार बार सेल कॉन्स्टेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही बार उस कंडक्टिविटी सेल का सेल कॉन्स्टेंट फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम सॉल्यूशन लेते हैं ना, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता है, वो है KCl। मोस्टली हम पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अलग अलग टेम्परेचर्स पर और अलग अलग कंसनट्रेशन पर ये निकाली गई है, और इसके लिए ये सारी नोटेड है कहीं पर, ठीक है। तो आप इसको सर्च करके फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, आपने किसी कंसनट्रेशन का पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, और आपका उस टाइम पर रूम टेम्परेचर क्या है वो भी आपने देख लिया, तो आप अगर उसको सर्च करोगे तो KCl की, पोटेशियम क्लोराइड की, उस कंसनट्रेशन और उस टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी कंडक्टिविटी आपको पता है, उसको आप उस कंडक्टिविटी सेल में लेकर, पोटेशियम क्लोराइड को जिसकी कंडक्टिविटी आपको पता है, उसको कंडक्टिविटी सेल में लेकर हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस आ गया, कंडक्टिविटी भी है, तो यहाँ से सेल कॉन्स्टेंट हमें पता चल जाएगा। नाउ वी कैन यूज द सेल ऑफ नोन सेल कॉन्स्टेंट टू फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सेटअप लगाया जाता है, ऑपरेटर्स को कैसे सेट किया जाता है किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम ये रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी आयनिक सॉल्यूशन का, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने ये सारा जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम फाइनली ये देख सकें कि हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कैसे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए और हमें सेल कॉन्स्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल वो यूज़ करेंगे जिसका सेल कॉन्स्टेंट हमें पता है, ठीक है। तो उसके लिए ये इस टाइप का सेटअप है जिसमें कि ये चार हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, दो रेजिस्टेंस तो ये हैं, ठीक है, R3 एंड R4, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये डिटेक्टर है, ठीक है, और ये है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल यहाँ लगाई है तो ये दो इलेक्ट्रोड्स को शो कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है R2, ठीक है। हेयर R2 रेजिस्टेंसेस R3 एंड R4 एंड ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R1। वेरिएबल को हम ऐसे दिखाते हैं, आपने किया हुआ है एरो लगाकर उस पर, एंड कंडक्टिविटी सेल ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R2। इन
ये तो हम चेंज कर सकते हैं, इन दोनों का हमें पहले से ही पता है, चेंज कर सकते हैं तो भी हमें वैल्यू पता रहेगी इसकी, हमें सिर्फ क्या नहीं पता, आर टू नहीं पता। ठीक है, ओ क्या है यहाँ पर, ये ओ इज एसी पावर सोर्स, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब 550 to 5000 पर सेकेंड या हर्ट्स। पी इज डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर क्या है, हेडफोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, जिससे पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन नो करंट इज, करंट पासिस थ्रू डिटेक्टर, जो डिटेक्टर है वो हेडफोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब कोई करंट डिटेक्टर से पास नहीं हो रहा है, कोई भी करंट नहीं है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, आर टू इज इक्वल टू, जैसे ये ना इस तरह से है कि आर वन मल्टीप्लाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री मल्टीप्लाई आर फोर, तो आप यहाँ से R2 फाइंड कर सकते हो, R2 टू इज इक्वल टू आर थ्री इंटू आर फोर डिवाइडेड बाई आर वन, सॉरी आर वन इंटू, ये इस तरह से मैंने यहाँ कर दिया, अपोजिट होता है ये, R2 टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू आर वन इंटू आर फोर, तो R2 हो जाएगा R1 वन मल्टीप्लाई आर फोर डिवाइडेड बाई आर थ्री। ठीक है, सो वी कैन फाइंड रजिस्टेंस एंड इफ़ वी नो सेल कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे और हमें सेल कॉन्स्टेंट भी पता है, तो हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पर, अब आपने ये देखना कि तीन चीज़ें हैं जो आपको, जिनमें से आप एक को फाइंड कर सकते हो अगर आपको दो पता है, तो सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, अगर कोई भी दो आपको नोन है तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने इस कंडक्टिविटी सेल का, सेल कॉन्स्टेंट फाइंड करने के लिए हमने सॉल्यूशन लिया जिसकी हमें कंडक्टिविटी पता थी, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो सेल कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा। अब हमने जिसका सेल कॉन्स्टेंट हमें पता चल गया, उसी को ही हमने लिया, उसका रेजिस्टेंस निकाला सॉल्यूशन डालकर उसमें, और कंडक्टिविटी को हम फिर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी स्टार बाय आर, यानी कि सेल कॉन्स्टेंट बाय रेजिस्टेंस। बट दो वी यूज सेम सोलवेंट, अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की, चाहे हम सेम सोलवेंट यूज कर लें, लेकिन हमने अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं ना, तो उनकी कंडक्टिविटी चेंज होगी हर बार। ठीक है, सोलवेंट चाहे सेम लिया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो कंडक्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। आयनिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, साइज ऑफ आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और उनकी सोल्वेशन, ये हम कर चुके हैं। तो इसलिए अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आप लेते हो हर बार सेम सोलवेंट होने पर भी, तो कंडक्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू आयन्स ऑफ डिफरेंट चार्ज एंड साइज, ठीक है, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स वो भी चेंज होगी, एंड थर्ड इज ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन्स अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस एक सेट कर दिया गया, तो उसमें जो आयन्स हैं उनकी मूव करने की जो ईज है, यानी कि वो कितनी आसानी से मूव करते हैं, वो भी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैल्यू अलग अलग ही होती है। इसलिए इन तीन चीज़ों के कारण सेम सोलवेंट होने पर भी इफ़ वी टेक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन कंडक्टिविटी विल चेंज। ठीक है, सो वी यूज, तो अब कंडक्टिविटी चेंज होती है तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, हम ऐसा चाहते हैं कि कंडक्टिविटी ज़्यादा चेंज ना हो, तो उसके लिए एक ज़्यादा मीनिंगफुल क्वांटिटी, यानी कि एक सही, एक ऐसी टर्म हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी की जगह पर जो उससे ज़्यादा सही हो, ठीक है, वो है मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लेते हैं, ये लैम्डा आपने वैसे दूसरा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको भी लैम्डा ही बोलते हैं, लैम्डा एम, एम मीन्स मोलर, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स चाहिए तो हम फाइंड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट्स हमें पता है सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है, हमने ये की थी, सीमेन मीटर इनवर्स इज यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, और कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर होती है वैसे, लेकिन SI यूनिट्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की, सीमेन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। अब यहाँ पर वैसे तो मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप, ये हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि ये कैसे आ गया, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बताया कि हमें पता है कि 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter, मोल पर लीटर होती है ना कंसंट्रेशन, तो मैं यही बता रही हूँ कि कैसे चेंज होती है मोल पर लीटर से मोल पर
मीटर क्यूब में। तो 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter, तो 1 liter क्या हो जाएगा, 1 liter हो जाएगा 10^-3 मीटर क्यूब। ठीक है, कंसंट्रेशन इज यूजली मेजर्ड इन मोल पर लीटर, और इसको कन्वर्ट करने के लिए SI यूनिट में हम मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 liter पर मीटर क्यूब से। तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से लीटर इनवर्स एंड लीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1000 mole पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट CA है, हमने ऊपर लिखी है, इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इनटू 1000 liter पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इनटू 1000। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर आपको कंडक्टिविटी गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है मोलैरिटी में, तो आप मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कंडक्टिविटी डिवाइड बाय, यहाँ कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी इंटू 1000। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी यूनिट्स को सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हो तो क्या होगा, तो सिर्फ क्या होगा, तो ये 1000 ऊपर लगा देंगे हम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होंगी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो तब हो जाएगा उस केस में इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, और यूनिट्स होंगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ही इजी है, अगर आप इसको इसमें इस यूनिट्स में फाइंड कर रहे हो, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, आपका आंसर जो है ना सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो आप सिंपली उसको 10^4 से डिवाइड कर दो, मीटर स्क्वायर सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को आपने इसमें कन्वर्ट करना है अगर, तो आप इसको 10^-4 से मल्टीप्लाई कर दो या 10^4 से डिवाइड कर दो। और अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को चेंज करना है सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो 10^4 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10^4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल टर्म्स हैं यूनिट कन्वर्जन की, यूनिट को आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आपने डायमेंशनल एनालिसिस में सीखा हुआ है, तो बस वही है, यहाँ पर हम वही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है।